बेटा गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर के लिए, या हम कह सकते हैं एक तरह से गॉस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड स्फीयर ठीक है। तो ये नेक्स्ट टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर के लिए, जो कि हमने अच्छे से पढ़ रखा है। तरह से ये गॉस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन है, तो समझो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने ये पढ़ा था अब तक के लिए, हमने कोई चार्ज पार्टिकल ज्यूम कर लिया, चार्ज स्फीयर ज्यूम कर लिया, जो सेंट्रल रीजन है वो हमारे पास क्या है, एक तरह से ये भी हमारे पास क्या चार्ज स्फीयर, लेकिन हमारे पास देखा जाता है नॉन कंडक्टिंग है। तो जो पहला रीजन हमने ये लिया है, इसको हमने क्या मान लिया, गॉसियन सरफेस ठीक है। ये कहीं पॉइंट पी है जहां मैंने क्या निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है, इसका रेडियस है वो क्या है, कैपिटल आर। स्मॉल रेडियस है यहां से, वो हमारे पास क्या, स्मॉल आर, ये कैपिटल आर। ये जो एरिया एलिमेंट है इसका नाम मैंने क्या रख दिया, डीएस। एंड मेरे पास क्या है, यूनिट वेक्टर ठीक है। और ये जो अंदर से हमारे पास क्या है, जैसे चार्ज है, बाहर वाला क्या है, नॉन चार्ज कंडक्टिंग, इट मीन्स नॉन कंडक्टिंग सरफेस, बात आगे समझ लो। और ई हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है पॉइंट पी के ऊपर, समझ लो। देखो क्या किया है अब तक हमने, क्या किया है, एक स्फीयर मान लिया, और वो स्फीयर हमारे पास क्या, नॉन कंडक्टिंग, जिसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर। स्मॉल रेडियस क्या है, इसके इनसाइड के अंदर, जो ये हल्का सा मैंने ब्लैक कलर कर दिया, ये हमारे पास एक एरिया एलिमेंट है, जो हमने क्या ले लिया, डी एस। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पी हमारे पास क्या है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। एन हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर ठीक है। एन हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर, जिसको हमने क्या, तरह से एन वेक्टर को हम ले सकते हैं, यूनिट वेक्टर ऑलवेज इक्वल टू 1, जिसकी वैल्यू क्या होता है, सिंगलेट। तो समझो हमने ये पढ़ा था अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम में, गॉस थ्योरम में हमने क्या पढ़ा है, फाई ई, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, फाई ई इज इक्वल टू कंप्लीट लूप, और कैसा लूप है, क्लोज लूप, इलेक्ट्रिक फील्ड, और साथ में क्या है, डी एस, जो किसी को होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास क्या है, जनरल इक्वेशन है गॉस लॉ के लिए, क्लियर है, समझ लो। हमने क्या किया है, ये गॉस लॉ की एप्लीकेशन को लिखा है, तरह से गॉस लॉ की स्टेटमेंट लिखी है, जो क्या होती है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू द टोटल क्लोज सर्फेस, और उसके साथ क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद एरिया एलिमेंट डी एस, ऑलवेज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर क्यू इज चार्ज पार्टिकल, एप्सिलॉन नॉट इट इज कॉल्ड एन डाइलेक्ट्रिकल परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस, या इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस। एन हमारे पास क्या, यूनिट वेक्टर, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, ऑलवेज 1, या यूनिटी वैल्यू होती है। तो देखा जाए तो पी हमारे पास क्या है, एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। रेडियस हमारे पास क्या, सर्फ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के लिए आर है, स्मॉल का आर के इसके लिए इनसाइड में, डी एस क्या, एरिया एलिमेंट, एन हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर। तो देखो लेफ्ट हम लेके चलते हैं, ये हमारे पास क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो क्या है, फाइ ई इज इक्वल टू सरफेस ऑफ एस ई इंटू डी एस ठीक है। अब देखा जाए तो एंगल क्या है, कॉस 0, जो कि कितना होता है, 1, तो उसको यूनिट वेक्टर ऐसा लिख सकते हैं, सरफेस ई डी एस कॉस थीटा, और हमने कल किया था थीटा इज इक्वल टू 0, तो इसको लिख सकते हैं फाई ई इज इक्वल टू क्लोज सरफेस एस ई डी एस कॉस 0, और कॉस 0 कितना होता है बेटा, 1, तो यहाँ पे लिख देना वी नो दैट कॉस 0 इज इक्वल टू 1, तो फाई ई इज इक्वल टू क्लोज सरफेस एस ई डी एस। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
समझ लो ये हमारे पास स्टेटमेंट है, ये हम देखा जाए तो यहाँ पर कौन कौन से प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट हमने पता है, डॉट प्रोडक्ट में एंगल कौन सा बनता है कॉस थीटा, इसलिए यहाँ पर क्या है कॉस थीटा, थीटा कितना है यहाँ पर जीरो डिग्री, ठीक है ये हमारे पास क्या है जीरो डिग्री, तो कॉस जीरो क्या हो जाएगा ऑलवेज वन, इसलिए हमारे पास क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये वाला। आगे देखो बड़े काम की चीजें हैं ये, एप्लीकेशन तो एक दो एग्जाम्स में जरूर पूछी जाती है, हर साल पूछी जाती है कि एक एप्लीकेशन एग्जाम्स में जरूर आएगा, इधर घोसला और इसकी एप्लीकेशन। तो आगे देखो phi e is equal to complete loop of s e ds, इसको लिख सकते हैं s e को बाहर निकाल सकते हैं और अंदर क्या है ds, ठीक है। अब जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो क्या होता है चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन जो हमारे पास नॉन कंडक्टिंग चार्ज है वो आपके बारे में क्या करते चलते हैं, जो ये क्यू है ना इसको रिप्लेस करवा दो क्यू डैश से, क्योंकि चार्ज पार्टिकल बिल्कुल सेम है उस पर कोई इफेक्ट नहीं है। हमने अज्यूम किया है कि नॉन कंडक्टिंग के लिए इन साइड में कुछ चार्ज होगा आउट साइड में कुछ है, तो वो हमने क्या मान लिया कि क्यू इज इक्वल टू क्यू डैश, ठीक है। तो ये फाई ई है जो इसको क्या लिख सकते हैं क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है इसकी वैल्यू यहां पुट करवा दो क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और देखा जाए तो यहां पर क्या है क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज इट इज, और ये जो सरफेस एरिया एलिमेंट है सरफेस एरिया एलिमेंट कितना होता है फोर पाई आर स्क्वायर का आर हमारे पास क्या था इनसाइड के अंदर, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं फोर पाई आर स्क्वायर। जब यहाँ से ई की वैल्यू निकालोगे तो रिजल्ट क्या बचेगा ई विल बी इक्वल टू क्यू डैश अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास क्या है एक तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई चार्ज पार्टिकल जब हमारे पास क्या है आउटसाइड में लाई कर रहा है, ठीक है E is equal to Q dash 4 pi epsilon naught r square। देखा जाए तो उसका वॉल्यूम भी तो निकालना पड़ेगा, तो वॉल्यूम देखो तो समझ लो phi e surface e dot ds एंगल चेंज होने के बाद हमने देखा phi e क्या होता है Q by epsilon naught यहाँ पुट करवा दिया, Q को Q dash से रिप्लेस करवा दिया कोई फर्क नहीं है, ये सरफेस एरिया 4 pi r square होता है, यहाँ से E की वैल्यू निकल गई, ठीक है। तो यहाँ एक साइड लिख लो जो E आया हमारे पास वो क्या है Q dash upon 4 pi epsilon naught r square, ये वैल्यू हमारे पास क्या आई है E कंपोनेंट के लिए। आगे लिखो जो कंपोनेंट है E कैन बी रिटन एज Q डैश अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है जो चार्ज पार्टिकल होता है वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली, तो सरफेस वॉल्यूम कितना उसके ऊपर 4 बाई 3 पाई आर क्यूब, ये तो आ गया वॉल्यूम, और साथ में क्या डेंसिटी, डेंसिटी को हमने क्या मान लिया डेंसिटी, और एक चीज समझ लेना जो ये डेंसिटी होती है वो क्या होती है मास बाई वॉल्यूम, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल है डेंसिटी कहते हैं मास बाई वॉल्यूम, एक तरह से चार्ज पार्टिकल से रिप्लेस करवा रखा है, तो ये क्या होगा उसका वॉल्यूम और ये क्या होगा उसके लिए डेंसिटी, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी डेंसिटी कैंसिल चार्ज इक्वल टू मास, ठीक है। ये चार्ज की वैल्यू यहाँ पुट करवा दो तो रिजल्ट क्या बचेगा ई कैन बी रिटन एज 4 बाय 3 पाई आर क्यूब डेंसिटी अपॉन 4 बाय एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। दूसरे फॉर्म में इसको लिख सकते हैं E can be written as 4 pi r square r density upon 3 into 4 pi r square or epsilon naught। देखो क्या किया है 4 by 3 है 3 को मैंने नीचे लिया डिनोमिनेटर के अंदर तो ये 4 नीचे आ गया 3 नीचे आ गया 4 के साथ पाई एज इट इज है
आर क्यूब को दो फॉर्म में डिवाइड कर लिया, आर स्क्वायर और आर में, डेंस एज इट इज है, पाई एप्सिलॉन क्वांटिटी एज इट इज है। तो देखो, फोर से फोर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, एक्स के लिए कैंसिल हो गया, तो हमारे पास रिजल्ट क्या बच गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑलवेज इक्वल टू आर, साथ में क्या, डेंसिटी अपॉन थ्री एप्सिलॉन नॉट, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, समझ लो हमने किया क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड से हमारे पास ये आ चुकी है, चार्ज पार्टिकल रिप्लेस करवा दिया वॉल्यूम और डेंसिटी के साथ, तो चार्ज पार्टिकल की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया, जो वॉल्यूम है 4/3, 4 डिनोमिनेटर के अंदर, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के अंदर डिवाइड कर लिया, पाई एज इट इज, आर थ्री को हमने क्या कर दिया, आर स्क्वायर और आर में डिवाइड कर लिया, तो आर स्क्वायर और आर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, फोर से फोर कैंसिल, ये टर्म हमारे पास क्या आ गई, रिमेनिंग टर्म्स। इसको स्पेशल केस में कन्वर्ट करते हैं, अभी देखो जो ये इक्वेशन आई है तो स्पेशल केस बनाओ इसके लिए, ये जो रिजल्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू आर रो थ्री एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये जो टर्म्स आई यहाँ पर, इसके स्पेशल केस बना के देखो, कि यदि आर की वैल्यू को चेंज करवा दिया जाए तो इक्वेशन पर क्या फर्क पड़ेगा। पहला जो स्पेशल केस है वो लिखो, फर्स्ट स्पेशल केस में इफ स्मॉल आर इज इक्वल टू जीरो, स्मॉल आर इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, जो रेडियस है वो क्या मान लें हम इन साइड वाले की जीरो, तो लिखो इट मीन्स रेडियस इन साइड इज जीरो, यदि अंदर वाले रेडियस जीरो मान के चल पड़े तो आर कितना हो जाएगा, जीरो के बराबर, ये जीरो पुट करो ऊपर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो होते हैं इन साइड के अंदर क्या रहती है, ऑलवेज जीरो, क्योंकि आर जीरो होने के बाद सब टर्म जीरो, इसलिए आर इज इक्वल टू जीरो एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑलवेज टू जीरो। ये पहला हमारे पास क्या गया, स्पेशल केस। ठीक है, दूसरा केस क्या बन सकता है, हमने जो करवा दिया इफ स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, इसका मतलब क्या है, अंदर वाले के रेडियस और बाहर वाले के रेडियस दोनों बराबर करके देखो, दोनों बराबर पुट करवा दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बचेगी, कैपिटल आर रो अपॉन थ्री एप्सिलॉन नॉट। ये सेकंड केस में हो गया, स्मॉल आर को आर ले लिया, डेंसिटी एज इट इज, थ्री बाई एप्सिलॉन नॉट, आर स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, एज इट इज, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, कर लो यहां तक, नेक्स्ट टॉपिक देखो, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट एनर्जी, इनफाइनाइट प्लेन शीट, इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर लिया हमने, ये मान लिया एक तरह से हमारे पास ये इनफाइनाइट प्लेन शीट है। ठीक है, ये इनफाइनाइट प्लेन शीट है, ठीक है, उसके लिए हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। अब जो उसका सेंट्रल पोर्शन है एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में मान लिया हमने, ये एंड ये है, एक एंड ये है, जो ये एंड है वो मैंने मान लिया पी, ये एंड क्या मान लिया क्यू, जो चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है, ठीक है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहेगी, आउटसाइड। ठीक है, चार्ज स्पीड है हमारे पास, तो देखा जाए तो एक तो एंड P है, एक एंड क्या हमारे पास Q है, जो सेंट्रल रीजन है ये वाला, यहां से लेकर यहां तक का जो रेडियस है वो क्या है, R है, ये सेंट्रल रीजन ये हमारे पास क्या है, R है, सेंटर पॉइंट क्या जो बन लिया O, तो टोटल जो डिस्टेंस है वो क्या होगा हमारे पास यहां तक 2R। हमने क्या किया अब तक,
एक प्लेन शीट ले ली, इनफाइनाइट फेजेस में है, दो पोर्शन बना दिए पी और क्यू, सिलेंड्रिकल फॉर्म में लेकर के अंदर वाला पोर्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्या होता है बाहर की तरफ, सेंटर पॉइंट क्या है ओ है, पॉइंट पी से लेके ओ का डिस्टेंस आर है, पॉइंट ओ से लेके क्यू का डिस्टेंस आर है, टोटल हमारे पास क्या हो गया 2R। तो देखा जाए तो हमने एक डेफिनेशन पढ़ी हुई इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, वो क्या होती है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई होता है वो क्या होता है ई डॉट डी एस, ठीक है। अब सरफेस कैसा है, क्लोज सरफेस है, तो कितना हो जाएगा क्लोज सरफेस एस इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, ठीक है। अब देखा जाए तो फाई ई, दो सरफेस हमारे पास ई और डी एस के लिए। अब देखा जाए तो जो हमारे पास सरफेस ई इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, दो एंड के ऊपर, इन साइड का पोर्सन टी क्यू के लिए, दूसरा पोर्सन क्यू आर के लिए, इसलिए टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको क्या ले सकते हैं क्लोज सरफेस टू इलेक्ट्रिक फील्ड डी एस, और रेक्टेंगल कितना है जीरो, तो कोस जीरो कितना हो गया वन, इसलिए डायरेक्ट ले दिया टू ई डी एस, ठीक है। अब हमारे पास क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या होता है चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, सबको पता होता है चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, तो है लिख लो वी नो दैट जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या है चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू ऊपर पुट करवा दो कितना हो जाएगा रिजल्ट, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ टू डी एस, पूरे लूप के लिए है इसलिए मैं क्या लिखता हूँ ओनली डी एस भी ले सकता हूँ, तो मैं इसको दूसरे फॉर्म में लिखवा दिया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स और डी एस, ठीक है। आगे देखो समझ लो, हमने एक इनफाइनाइट प्लेन शीट ली है जिसके ऊपर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, सेंटर पॉइंट अज्यूम कर लिया, दो एंड सिलेंड्रिकल फॉर्म में अज्यूम कर रखे हैं, पॉइंट पी और पॉइंट क्यू, पॉइंट ओ से लेके पॉइंट पी का डिस्टेंस स्मॉल आर है, पॉइंट ओ से पी का डिस्टेंस भी स्मॉल आर है, टोटल डिस्टेंस क्या हो गया टू आर हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट लगा दी, जो हमारे पास दो सर्फेस हैं अंदर वाला और बाहर वाला, इसलिए टू से मल्टीप्लाई करवा दिया, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, ये हमने यहाँ तक पहुँच गए। आगे देखो एक हमारे पास रिजल्ट क्या होता है, सिग्मा क्या होती है चार्ज डेंसिटी, एक चीज याद रखना बेटा जो सिग्मा चार्ज डेंसिटी है वो क्या होता है, जितना हमें चार्ज पार्टिकल लेके चल रहे होते हैं और साथ में उसका एरिया एलिमेंट, ठीक है, तो चार्ज एरिया और सिग्मा एलिमेंट, तो हम क्या कर सकते हैं चार्ज है जो हमारे पास उसको सिग्मा डी एस से रिप्लेस करवा सकते हैं, कैसे, जो हमारे पास एक क्वांटिटी आई थी चार्ज पार्टिकल के लिए सिग्मा की फॉर्म में, वो क्या आई थी बेटा हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल जो यूनिट आई है उसको हमने किससे रिप्लेस करवाना है सिग्मा डी एस से, ठीक है। तो देखो जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो क्या होता है सिग्मा और सरफेस, कैसे निकाल दिखा कि जो सिग्मा होता है किसके बराबर होता है चार्ज अपॉन एरिया एलिमेंट डी एस, हमने चार्ज पार्टिकल पढ़ के दिखा था, यदि हम किसी लाइन के लेके चलते हैं, देखो चीजें समझ लो बड़े काम की चीज है कि यदि हम कोई चार्ज पार्टिकल लाइन के लिए लेके चलते हैं तो उसको क्या लिखते हैं लैम्डा, जो क्या होता है चार्ज अपॉन लेंथ, ठीक है। यदि हम किसी सरफेस के लिए लेके चल पड़े, देखो तीन टर्म्स होते हैं फर्स्ट पार्ट में आया हुआ है, यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले किसी यहाँ पे इनफाइनाइट प्लेन की संख्या ले लेते स्ट्रेट लाइन लिख लेते जो सिलेंडर का काम करते हैं वो क्या होता है लैम्डा, तो चार्ज को क्या लिखते हैं, तो यहाँ चार्ज को लिखा जाता है पहले केस में चार्ज इज इक्वल टू लैम्डा और एल, यदि बात आती है किसी सरफेस के लिए तो उसे क्या लिए क्या लिखते हैं सिग्मा, जो क्या होता है चार्ज अपॉन एरिया एलिमेंट डी एस, तो इसको लिखेंगे चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा और डी एस। यदि बात आती है किसी वॉल्यूम के लिए निकालना हमें किसके लिए निकालना पड़े किसी वॉल्यूम के लिए निकालना पड़े तो जो चार्ज है वो किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास जितना चार्ज है और जितना वॉल्यूम है, तो इसको लिख सकते थे चार्ज सिग्मा और वॉल्यूम, देखिए लेकिन देखो तो जो सिग्मा होता है यहाँ पे इसको किससे रिप्लेस करवाते हैं डेंसिटी से, तो डेंसिटी लिखते हैं यहाँ पे, ये तीन केस है बेटा तीनों याद रखने हैं। बात आती है यदि किसी लाइन के लिए तो रिप्रेजेंट करना है लैम्डा,
चार्ज को निकालेंगे तो लैम्डा और एल की मल्टीप्लाई, फिर सरफेस के लिए निकालेंगे तो सिग्मा चार्ज अपॉन डी एस, तो सिग्मा निकालो चार्ज निकालोगे सिग्मा इंटू डी एस हो गया। यदि निकालो किसी वॉल्यूम के लिए तो सिग्मा और वॉल्यूम हो गया। तो अब हमारे पास क्या है, हमने लाइन के लिए पहले केस में निकाला था, अब किसी केस में सफीर के लिए, तो सिग्मा क्या ले सकते हैं, सिग्मा निकालोगे चार्ज अपॉन डी एस, वॉल्यूम के लिए निकालते हैं तो डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम हो जाता, ठीक है। तो उसको याद रखना, तो हमारे पास जो केस आया ये कौन सा है, ये है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू टू इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस। अब जो चार्ज है सरफेस के लिए है वो क्या है, प्लेन, कितना होता है सिग्मा और डीएस, तो चार्ज की वैल्यू पुट करवा दो सिग्मा और डीएस अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू टू इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस, ठीक है। अब देखा जाए तो क्या है, बी एस से डी एस कैंसिल, सिग्मा यदि निकाल के देखें तो कितना हो जाएगा टू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन, ये उधर जो क्वांटिटी हमारे पास क्या है उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगी मल्टीप्लाई। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है। जो इनफाइनाइट प्लेन सेट करने के लिए हमारे पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो यही था टू ई एज इट इज, सिग्मा निकालोगे तो एप्सिलॉन नॉट उधर जा चला गया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो हमारे पास ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, सिग्मा हमारे पास क्या है, जितना भी चार्ज पार्टिकल सरफेस के लिए आया है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट हमारे पास क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का काम करेगी या इलेक्ट्रिक परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस, ठीक है। तो बेटा यहाँ तक कर लेना, ठीक है, बाकी जो हमारे पास रिजल्ट है या जो टॉपिक है वो मैं कल करवाऊंगा। तो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो निकालनी थी प्लेन शीट के लिए जो इनफाइनाइट फॉर्म में है, दूसरे हमारे पास क्या थी, इससे जो पहला टॉपिक करवाया गॉस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन, तो गॉस लॉ की तीन एप्लीकेशन है, एक एग्जाम में जरूर आएगी, तो इनको कर लेना बेटा, ठीक है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।